السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم। तो आज छठी सहरी है माह रमजान मुबारक की। तो अभी हम लोग सहरी कर चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 4:15, 4:16 हो रहा है। और अभी चलते हैं, दुरूद पाक की कसरत करते हैं, उसके बाद जो है अजान का इंतज़ार करते हैं, फिर चलेंगे नमाज़ पढ़ने। और कल तो फ़ोन लेके गए नहीं थे, नहीं बाहर का मौसम और वेदर आपको दिखाते, सुबह सुबह का नज़ारा भी अच्छा रहता है, टहलने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह आज फ़ोन भी चार्ज है तो लेके भी चलेंगे, आपको नज़ारा भी बाहर का दिखाएंगे। तो चलिए जब तक कुछ दुरूद पाक पढ़ा जाए। अगर जो सहरी में उठते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि आप भी दुरूद पाक की कसरत किया करें, इस्तगफार की कसरत करें। माह रमज़ान का महीना है, अशराए रहमत का आज छठा दिन चल रहा है, इसके 4 दिन और बचे हैं, 10 दिन रहता है, 10 दिन बाद अशराए रहमत ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद अशराए मगफिरत लग जाएगा 11 से। तो जब तक अशराए रहमत चल रहा है तो बस अल्लाह की रहमत की निगाह हम पर पड़े, इसलिए हम कसरत से उसके हबीब पर दुरूद भेजें। तो जब उसके हबीब पर दुरूद भेजेंगे तो वो खुद ही रहमत की नज़र करेगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें भेजता है। तो जब एक बार दुरूद पाक पढ़ेंगे तो 10 रहमत है, तो कितनी और रहमत का शरही है ये, इसका पर्पज़ ही है रहमत। तो बस अल्लाह की रहमत हमारी तरफ वो हो, इसलिए हमको चाहिए कसरत से हम दुरूद भेजें, बस अल्लाह की रहमत। और जिसके ऊपर अल्लाह की नज़र रहमत पड़ गई तो उसके ऊपर जन्नत का सिलसिला हो जाएगा, उसके लिए उसके हक़ में अल्लाह ताला जन्नत का फ़ैसला कर देगा, क्योंकि उसके लिए तोहफा ही है ये, बंदा है मोमिन के लिए असली तोहफा रब की बारगाह से यही है कि उसके लिए जन्नत का फ़ैसला कर दिया जाए, अजाब नार से जहन्नम से इसे छुटकारा पा जाए। तो बस कसरत से दरूद पाक और इस्तगफार की कसरत करें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अभी हम लोग चल रहे हैं फजर की नमाज़ पढ़ने का, लाइट जो है रोड वाली उस तरफ जल रही है, इस तरफ लाइट भी बंद है तो अंधेरा भी है। अभी बस चल रहे हैं मस्जिद की जानिब। अभी हम नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं घर वापस, सुबह का मौसम है, तो अभी हम चलते हैं आराम करने। तो अभी बस हम उठे हैं, जोहर का वक्त है, तो अभी नमाज़ भी पढ़ना है। अली भाई आए हैं, अली भाई जो है अतर लेने आए हैं, तो अभी अली भाई के घर भी चलेंगे नमाज के बाद, उनके घर में इनके मंगवाए हैं इतर, दिखा देंगे उनको भी। तुमको कौन सा अच्छा लग रहा सबसे ज़्यादा, कौन कौन सा देखे हो अभी तक? ये वाला और ये वाला, ये दोनों पसंद है, जमजम और मुखल्ला जहाबी। ये वाला देखे थे? नहीं। ये चलो अभी चलते हैं वहीं घर ही पे दिखाएंगे जब सब तब समझ में आएगा ना। चलो बस नमाज पढ़ ले फिर चलते हैं। तो अभी हम आए मस्जिद और यहाँ पर जो है आज तरावी भी मुकम्मल होगी, तो यहाँ मस्जिद में अभी डेकोरेशन का काम चल रहा है, फूलों से मस्जिद को सजाया जा रहा है, तो आज तरावी भी होगी। तो तरावी वाला ब्लॉग जो है कल आएगा और ये वाला ब्लॉग तो आज आ जाएगा। तो अभी हम आए मस्जिद में और आज जो है यहाँ की जो है तरावी भी है, मुकम्मल हो जाएगी। तो अगर तरावी का ब्लॉग देखना है तो कल वाले ब्लॉग में हम पूरा तरावी का डालेंगे। अभी तो खैर मस्जिद को डेकोरेट किया जा रहा है, सजाया जा रहा है तरावी के लिए। तो अभी बस हम आए थे वो अतर दिखाने के लिए गए थे घर पे, तो बस अभी आए हैं, सब फारिग हो चुके हैं, अब चलेंगे घर। अब उसके बाद नहाना धोना भी है तो नहा के फ्रेश हो ले आज, क्योंकि तरावी मुकम्मल है, तो आज थोड़ा एक अलग अंदाज में कोशिश करेंगे। तो अभी बस चलते हैं घर जल्दी से, नहाएंगे धोएंगे उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। तो देख सकते हैं अभी इतना जो है धीरे धीरे सज रहा है, डेकोरेशन का काम चल रहा है। A few moments later. और अभी हम फारिग होकर घर आ चुके हैं और यहाँ मेरा बिल्लू भी बैठा हुआ है। बिल्लू ये देखो, ये वाला बिल्लू बना है, इसे इजिप्ट में एक तो बिल्लू की मूर्ति है, इजिप्ट वाला बिल्लू। अरे आंखें खोल ले, इजिप्ट वाला बिल्लू आंखें भी खोल लेता है। हतो
तुरंत हटा देता है ये बाबू ना बाबू। सोएंगे, इनको निन्नी आ रही है, ये देखो सो जा। सोएगा मेरा बेटू, सो जा सो जा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय कैटी वैटी ब्लॉग। मेरा नाम है बिल्लू, ओह सॉरी बिल्लू तो मैं हूँ, क्या नाम है तुम्हारा, नाम हम रख लें है? हाँ मेरा नाम है महारानी विक्टोरिया, ठीक है, कैटू विक्टोरिया। बिल्लू ब्लॉग ना बाबू, बिल्लू ब्लॉग बनेगा मेरा बाबू का, बिल्लू ब्लॉग बनाएंगे हम, फेमस हो जाएगा मेरा बिल्लू, है ना। किक चलाता है मेरा भैया किक, लत्ती चला के दिखा दो बाबू। हमारे बिल्लू को मसाज का लाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे खिलवाना ना बाबू। सो जाओ, इसकी नींद लगी है, तुम सो। तो अभी बस हम घर आ चुके हैं, तो बस अभी चलते हैं, जल्दी से नहाएंगे, नहाने के बाद आपसे मिलेंगे। अभी असर का वक्त भी लगने वाला है करीब, और मस्जिद में डेकोरेशन भी चल रहा है जैसे आपको मैंने दिखा दिया, और यहाँ पे अफ्तारी की तैयारियाँ वगैरह भी चल रही हैं, बन रहा है सब धीरे धीरे। तो आज तरावी भी जो है मुकम्मल है, 7 दिन की हो जाएगी, मगरिब बाद 7 बार रमज़ान शरीफ लग जाएगा, आज 6ठी अफ्तारी भी है। तो अब पहले चलिए जल्दी से नहा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये नहा धो के फ्रेश होके हम लोग इधर आ गए थे, और इफ्तारी हम लोग ने इसी मस्जिद में की थी। हम थे, हम मतलब मेरे साथ एक लोग और थे, मैं उनके साथ यहाँ आया था रसूलाबाद वाली मस्जिद में। तो इस मस्जिद में कल तरावी मुकम्मल हुई थी, तो ये मस्जिद भी सजी हुई है, तो मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं, खूबसूरत लग रही थी मस्जिद भी। तो अभी इफ्तारी का वक्त है, और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अभी हम रसूलाबाद की मस्जिद में हैं, तो अब यही ब्लॉग पॉइंट करते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दुआ में याद रखें सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह हाफिज़।